नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 25,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी है। आपको बताएं, कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट 2004 के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है जिसमें इस एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था। साथ ही इस कोर्ट ने पक्षकारों यानी मदरसा बोर्ड, यूपी सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस देते हुए 30 जून 2024 तक जवाब मांगा है। आपको बताएं, फिलहाल 2004 के मदरसा बोर्ड कानून के तहत ही मदरसों में पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला प्रथम दृष्टया सही नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का यह कहना सही नहीं है कि धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में एक्ट का बचाव किया था। हाई कोर्ट ने 2004 एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार और अन्य नोटिस जारी की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दिया था और इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। अब ऐसे में यूपी मदरसा एक्ट को रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की है। अब ऐसे में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या हम यह मान लें कि राज्य ने हाई कोर्ट में कानून का बचाव किया है। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एएसजी केएम नटराज ने कहा कि हमने हाई कोर्ट में इसका जवाब दिया था और इसका बचाव भी किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने कानून को रद्द करने के बाद हमने फैसले को स्वीकार कर लिया और जब राज्य ने फैसले को स्वीकार कर लिया तो राज्य पर अब कोई कानून का खर्च वहन करने का बोझ नहीं डाला जा सकता। वहीं आपको बता दें, यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट का अधिकार नहीं बनता कि वह इस एक्ट को रद्द करे। इस फैसले से राज्य में चल रहे करीब 25,000 मदरसे में से पढ़ने वाले 17 लाख लोग और 17 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं। 2018 में यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक इन मदरसों में विज्ञान, पर्यावरण, मैथ यानी गणित जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं। मदरसों की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी कहते हैं कि यह कुरान के एक विषय के तौर पर पढ़ाया जाता है। सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने कहा कि धार्मिक शिक्षा और धार्मिक विषय दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, इसलिए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगनी चाहिए। वहीं सिंघवी ने कहा कि अगर आप अधिनियम को निरस्त करते हैं तो आप मदरसों को अनियमित बना देते हैं, लेकिन 1987 के नियम को नहीं छुआ जा सकता। वहीं हाईकोर्ट का कहना है कि यदि आप धार्मिक विषय पढ़ाते हैं तो यह धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि धार्मिक शिक्षा का अर्थ होता है धार्मिक निर्देश, नहीं होता। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में पेच फंसा हुआ है, अब ऐसे में इस पर क्या फैसला आता है। फिलहाल आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पर।